किम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी लेट्स ग्रो टुगेदर का एक इवेंट है, इस्लामाबाद वुमेन गाला, बाहर रंग सभा निगत कलेक्शन का भी स्टॉल है। मैं हल्का सा आपको दिखा, अभी तो एक बहुत धूप है। दूसरा ये कि हमारे ब्रांड की कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स चेंज हुई थी, तो उनको थोड़ा सा लाइक ट्रेनिंग कह लें, कुछ भी कह लें, उनको थोड़ा सा मैंने कुछ काम बताना था, और बस मैंने अपना स्टॉल वगैरह लगवा दिया है। नाउ आई एम गोइंग बैक, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे थोड़ा रेडी शेडी होके, और फिर मैं आप लोगों को स्टॉल का विजिट भी करवाऊंगी। ले जनाब, अब हो गया रेडी और अब जा रहे हैं इस्लामाबाद वुमेन गाला दोबारा से। अच्छा, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, बड़ी है, लेकिन आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया हुआ है बहुत सारे क्राफ्टर्स ने। मेरी पूरी कोशिश थी कि सबके स्टॉल विजिट करूँ, सबका रिव्यू करूँ, और अगर किसी का कोई स्टॉल मिस हो गया हो तो माजरत। इसके अलावा मौसम जनाब बहुत अच्छा था, ना बारिश थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना सर्दी थी, बहुत अच्छा बहुत प्लेजेंट मौसम था, सब ने इंजॉय किया। और इसके अलावा जनाब बहुत सारे क्राफ्टर्स का रिव्यू भी हम करेंगे इसी व्लॉग में, और बहुत सारे लोगों ने बाद में मुझे क्लिप्स भेजे जो कि मैंने ऐड किए हैं। बीच में चुटकुले भी होंगे, काम की बातें भी होंगी, टिप्स भी आपको मिलेंगी, सो पूरा देखिएगा। अभी हम गए हैं जी फूडी फैलाज के स्टॉल पे, इनके बिरयानी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, और इसके अलावा मैं रेगुलर ऑर्डर भी करती हूँ। स्टॉल है और भी बहुत सारे स्टॉल थे, तो मैं कोशिश करूँगी बीच में मैं विजिट करवाऊँ सब स्टॉल्स का भी, आपको मैजिक शो हो रहा है उसका भी लाइक थोड़े से क्लिप्स आप लोगों से शेयर करूँ, और मीडिया वॉल और बाकी सारे रंगारंग दुनिया है जनाब। और आज फर्स्ट डे है, कल सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अमरीन हैदर फॉर सक्सेसफुल इवेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएट द टीम ऑफ लेट्स ग्रो टुगेदर जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, जिनमें सादिया जेब हैं, शैला हैं, निदा मुगल हैं, हना हैं, काशिफ जो कि वॉलंटियर इंचार्ज थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे, किसी को कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और सब बहुत कोऑपरेटिव थे। इनके जो पार्टनर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, जिसमें डिजिटल अम्ब्रेला है जिन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन संभाली, सैरी शसद, इसके अलावा ICT का बहुत शुक्रिया। और अभी हम जा रहे हैं मैजिक शो देखने। मैजिक शो यहाँ पर आवाज़ का कुछ इशू था, माइक नहीं चल रहा था, तो आई थॉट कि अब क्या करेंगे इतने बड़े व्लॉग में सारा मैजिक शो देखकर। जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी ऑडियंस थी और मजा आया। सभा निगत कलेक्शन के स्टॉल पे अभी इंशाल्लाह बायस का थोड़ी देर में डिस्प्ले होगा, तो आई विल लेट यू नो। और इसके अलावा लाइक अभी मैं बिरयानी इंजॉय करने जा रही हूँ जो कि मैंने फूडी फैलर से ली थी। बाकी ये क्राफ्टिंग जो है ये बेसिक करती है, बॉल हैंगिंग क्राफ्टिंग ये भी है, और ये जी मैजिक शो होने के बाद लाइक आई वॉज बिजी विद सम फ्रेंड्स, कुछ लोग मिल गए उनके साथ मैं बिजी हो गई, यहाँ पे भी स्पीड बढ़ानी पड़ी। और मैं अभी गई पान वाले के स्टॉल पे, क्या मज़े का स्टॉल था, लाइक लिटरली सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, और बहुत ही वो शहाना एंट्री होती है ना, कारपेट, रेड कारपेट वाली फील आ रही थी मुझे। एनीवेज मैंने इनसे यहाँ पे ये पूछा था कि फायर पान क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि फायर पान इसलिए नहीं है कि लाहौर और कराची में तो अलाउ है लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है, लोगों को खाना नहीं आता, जब मुँह जल जाता है तो फिर हमसे लड़ाई करते हैं, जो बहस करते हैं, तो इसलिए हमने फायर पान नहीं रखा। मैंने कहा ओके जी ठीक हो गया। और पान मैंने बाय द वे सेकेंड डे इन्जॉय किया, वो आपको क्लिप देखने को मिलेगा। कस्टमाइज़ हो रही थी, चावल के दाने से भी नाम लिखा जा रहा था, और मैंने यहाँ पे एक मुख्तलिफ चैलेंज दिया भाई को, क्योंकि मेरे अल्फाबेट ज़्यादा है नाम के, माशाल्लाह मेरे वाली साहब का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने उनको कहा कि क्या आप लिख सकते हैं, तो उन्होंने एक स्पेशल कीचेन निकाली बहुत राउंड सर्कल में, उसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी, तो उन्होंने बनाया ये, वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं, तो विद इन 5 to 10 minutes उन्होंने कस्टमाइज़ करके दिए मुझे कीचेन, बहुत अच्छे थे और प्राइस बहुत इकोनॉमिकल थी, 200 में एक कीचेन। 100 की ईच गेम है, अगर कोई विन करता है तो उसको 6 कीचेन मिलेगी। चेंज पिक करने के बाद बढ़े हम फूड स्टॉल्स की जानिब, क्योंकि हल्की हल्की भूख लग रही थी, और मैंने ली शकरकंदी जिसे आप स्वीट पोटैटो कहते हैं, मैंने वो बहुत इंजॉय किया। और स्वीट पोटैटो खाने के बाद एक हुआ था स्टोरी टेलिंग सेशन लफ्स कुंजी की जानिब से, जिन्होंने 2 दिन पूरे स्टोरी सुनाई और वो किताबें सेल करते हैं, बहुत मज़े का सेशन था। हाँ बाबा, अब तो धुलकर भी चमकती नहीं है हमारी गाड़ी। बाबा ने कहा अरे आज तो मैंने ऐसा चमकाया है कि मेरी बेटी को इसमें अपनी शक्ल नजर आएगी। ये मेरे क्लोथिंग ब्रांड सभा निगत कलेक्शन का मॉर्निंग का क्लिप है, जब हम डिस्प्ले सेटअप कर रहे थे और तब मैंने एक क्लिप लिया था। बाय द वे शर्ट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, अबायाज हैं, मैक्सीज हैं, टी शर्ट्स हैं, इंशाल्लाह टॉप है, इसके अलावा ज्वेलरी है, आप लोग बिल्कुल हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में हम डील कर रहे हैं, और नई कलेक्शन अब जल्द ही अपडेट होगी।
इसके अलावा मैं बड़ी दूसरे स्टॉल्स की चाह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इनके इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक को, कहीं पे भी जाके इन क्राफ्टर्स को अप्रिशिएट ज़रूर करें। दी आर्ट स्टूडियो इनका नाम है और ये रेजिन में आर्ट में डील कर रही हैं। बहुत सारी ट्रेस थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, बहुत सारे इयररिंग्स थे, आई लव देयर कलेक्शन। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट हैं जिनके पास ये काम है, ये पेंटिंग्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की भी एक पेंटिंग बनाई है, आई लव हर वर्क, और आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दी वुडन आर्ट था, ये देख सकते हैं आप लोग, इनके पास टेबल्स थे बहुत अच्छे, इनका भी मेरे ख्याल में मैंने कार्ड यहाँ से लिया है और मैं उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी। प्लीज़ कोशिश करें कि आप जाकर इनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। ये दुपट्टा थे, अरे रंगा रंग दुपट्टे थे, और ये पेंटिंग्स भी आ चुकी हैं दोबारा से। मैं वॉइस ओवर अभी रात के टाइम कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि सबके क्लिप्स के साथ जस्टिस कर सकूँ। डे ऑफ बहार रंग, और मैं जा रही हूँ अभी एफ9 पार्क में। आते ही जनाब मेरी टीम की फरमाइश थी कल वाली बिरयानी खानी है, वो जो फूड फैलास की थी, तो मैं उनके लिए बिरयानी लेने आई हूँ, अभी मैं उनको दूंगी और उसके बाद स्टॉल का विजिट करवाते हैं आपको। अच्छा आज ना आप देख सकते हैं कल जिस तरह का वो एक्सटीरियर था या किस तरह की डेकोर हुई थी वो आज नहीं है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि वो आर्ट, वो क्रिएटिविटी जो एक क्राफ्ट ने किया है, बनाया है, उनका काम दिखाएं, वो शोकेस करें। बैंक ऑफ पंजाब के स्टॉल को विजिट करने के बाद हम बड़े स्ट्रोक्स बाय फूजा के स्टॉल की जाने, जिनकी पेंटिंग्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत नॉमिनल प्राइस में थी, इन्होंने पूरी अटेंशन ग्रैब की हुई थी ऑडियंस की, आप लोग बाय कर सकते हैं। और फिर खुशों के स्टॉल की तरफ गए। अच्छा मेरी कोशिश ये थी कि सबके विजिटिंग कार्ड्स नाम अटैच करूं, अगर नहीं हो सके तो बस क्या हो सकता है, रश बहुत ज़्यादा था इसलिए कहीं जगहों पे मैं व्लॉग नहीं कर पाई। इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और आप लोग ज़रूर जाएँ फॉलो करें। ये ज्वेलरी का स्टॉल था, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत नॉमिनल प्राइस, अगेन हैंडमेड ज्वेलरी थी। लाइक लिटरली अमेजिंग। अपने ब्रांड के हवाले से कुछ बताएं। ये है ब्रांड खासो आम, बेसिकली इसको गुजराती में हम कहते हैं आम खासो, के आम खाओगे तो उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है खासो आम। ये हर आम खासो आम बनने के लिए, और मैंगो पल्प को इसको ड्राई किया हुआ है, डीआईडी किया हुआ है, जो कुदरती मॉइस्चर होता है उसके अंदर से वो ख़त्म, इससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी प्रिजर्व होता है। जब भी आप इसको खाएंगे आपको ऐसा लगेगा आप आम खा। अच्छा हमने परचेज भी किया, बट ऑडियंस को बता दें इनकी प्राइसेस क्या है। ये 100 ग्राम्स है 350 का, 200 ग्राम्स है 600 का, और तकरीबन आधा किलो 450 ग्राम है 1250 का। दैट्स ग्रेट। हमारी शॉप अवेलेबल है, दराज पे भी अवेलेबल है, और हमारी ऑनलाइन स्टोर भी है, आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ज़बरदस्त चलेंगे। इसमें ना ही जी जी प्लीज इसमें ना ही कोई फ्लेवर एडेड है, ना ही कोई कलर एडेड है, और ना ही कोई जिलेटिन एडेड है, ये प्योर मैंगो पल्प है। चले वंडरफुल, थैंक यू। भी ऑर्गेनिक हनी दस्तियाब था जिनके स्टॉल पे मैं गई, तो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी, तो मैं आगे बढ़ गई मोना साहब की जानी। मोना साहब का स्टॉल के प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, ये मौजूद हैं, और आगे ड्रीम कैचर का एक स्टॉल है, उनसे लास्ट टाइम मैंने ड्रीम कैचर परचेज़ किया था। दो बहनें उस ब्रांड को रन कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और करीबी मिनी स्टोन्स पेंट किए गए थे, पेंटिंग्स मौजूद थी, इनका भी विजिटिंग कार्ड मैं अटैच कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि सबका विजिटिंग कार्ड या एटलीस्ट नाम ज़रूर आए, और जहाँ पे रस्ते आ रहा था कस्टमर्स थे, आई रियली डोंट वॉन्ट इट कि कस्टमर्स भी डिस्टर्ब हो, सेल्स डिस्टर्ब हो। हुंजा ऑर्गेनिक का स्टॉल था और यहाँ पे प्लांट्स मौजूद थे, मिनी प्लांट्स मैंने कुछ खरीदे भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं खरीद के अभी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे रिव्यू करूँगी। ट्रक आर्ट का एक स्टॉल था, सियाल ट्रक आर्ट के नाम से, इनकी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ेदार सी, ये चीज़ें कस्टमाइज़ भी करते हैं। इसके साथ ही अंबर का एक स्टॉल है, ये कस्टमाइज मैग्नेट्स बनाती हैं, मास्क बनाती हैं, मग्स, व्हाटएवर, जो भी आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें। और यहाँ पे प्लांट्स मौजूद थे, गार्डन ईडन के नाम से इनका गालबन स्टॉल है, और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी थी, ग्रीन ईडन के नाम से, सॉरी। और अच्छा करीबी एक और स्टॉल था जिनके पास फ्रेश सैलेड था, और वो लोगों को गार्डनिंग और प्लांटेशन के हवाले से गाइड भी कर रहे थे। मैंने फ्रेश सैलेड ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज्वेलरी का एक स्टॉल आएगा, उनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उनकी ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके अलावा कुछ लोगों के सिर्फ मैंने दूर से नाम ही कैप्चर किए। और एक स्टॉल आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त था, गुजराती क्रंच के नाम से, इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल अटैच कर रही हूँ। ये शैला का ब्रांड है जिनका मैं नाम ले रही थी, जो कि ऑर्गेनाइज़र टीम का भी हिस्सा है, और मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये कराची से आई हैं, तो आई कैन टोटली फील इट कि इनका टेस्ट कितना अच्छा होगा। इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल मैं अटैच कर रही हूँ। और फिर मुझे भेजी कुछ प्रोडक्ट्स का वीडियो रस्टिक बाय सारा ने, और इनका भी स्टॉल है, ये मुल्तान से आई थी। लोकल प्रोडक्ट्स को प्लीज़ सपोर्ट करें, लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। ये खातून मुल्तान से आई थी, इनके पास बड़ी मज़ेदार सी कलेक्शन है कपड़ों की, खुद से की, और बाकी जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं प्राइसेस इकोनॉमिकल थी,
और इसके साथ ही अच्छा कुछ लोगों ने बाद में मुझे क्लिप्स भेजे जिनमें एनजी ट्रेडिशंस भी शामिल हैं। इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, मैंने क्लिप्स अटैच कर दिए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। गालबन इनके इंस्टाग्राम पेज पे सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। अच्छा अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगी कि इनको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें। आप लोगों को पता है कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बाय आपने फॉलो करना ही है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर इस टाइम कर रही हूँ, मुझे क्लिप्स कुछ बाद में रिसीव हुए तो मैं नहीं चाहती थी किसी का नाम या किसी का क्लिप मैं ऐड ना करूं। एनीवेज यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन नज़र आया कि एक बच्ची थी जो कि अपने वाली साहब के कंधों पे बैठी हुई थी और मुझे बड़े अच्छे इमोशंस फील हुए, लाइक जैसे पुराने ज़माने में मेलों में हुआ करता था। तो अनाया की मम्मा अगर आप सुन रही हैं तो आपकी बेटी मेरे पास है, परेशान है, रो रही है, प्लीज़ आइए अपनी बेटी के पास। ये अनाउंसमेंट जो है हर गाला में मैं कुछ दिन में 365 दफ़ा सुनती हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता कि यार अगर बच्चे साथ लाए हैं या तो किड्स एरिया में छोड़ के भूल ना जाया करें या अपने साथ साथ रखें, क्योंकि बच्चे एक ऐसी मखलूक है जो कि गूगल पर सर्च करने से भी नहीं मिलती। तो बच्चों को अपने साथ रखें या कोई ट्रैकर फिट कर ले, तो क्या चाहते हैं, मुझे पता है मी टाइम इन्जॉय करना होता है, लेकिन ना करया करो ये गल्ला। भूख ने फिर अंगड़ाई ली और कदम जो है फूड स्टॉल्स की जानी बढ़ने लगे और मिर्ची 360 का बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा था यहाँ पे। फर्स्ट कि मुझे समोसा चाट खानी है, फिर मुझे याद आया कि कल मैंने एक स्टॉल देखा था यहाँ पे सरसों का साग और मकई की रोटी है, तो आई विल गो फॉर दैट, क्योंकि ऐसे पंजाबी लोग हैं तो कंप्रोमाइज ही करना है कोई नहीं, साग तो मकई रोटी तो मक्खन का पेड़ा जितने मिल जाए उतने बह जाना है। जा रही है खाने हैं उन्हें। मकई की गरम गरम रोटियाँ बन रही थी, साथ ही साग मौजूद था मट्टी की हांडी में, चाटी का मक्खन। अच्छा मजे की बात है, ये वाला जो फूड है ये लोकल एक खातून है जो कि यहाँ पे जो भी एग्जीबिशन होती है वहाँ पे मुझे नजर आती है, लोग विरसा में स्पेशली मैंने इनके ये साग और मकई की रोटी ट्राई की थी। अच्छा आई नो यहाँ पे काफी ब्रांड्स हैं और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, डेफिनेटली आप वो फूड भी ट्राई करें, बट एक चीज मेक श्योर कीजिए कि जब आप यहाँ पे आते हैं लोकल फूड आपको मिलता है, कल्चरल फूड आपको मिलता है, तो प्लीज वो ट्राई करें, बजाय कि यहाँ पे आके आपने बर्गर और बन कबाब और ये खाने तो फिर कोई फायदा तो ना हुआ। अभी हम खाते हैं फिर आपको रिव्यू देते हैं कैसे। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सवेरे आप ही की ऐप खुली, फौरन बिस्तर से छलांग लगा कर। हाँ ऐसे ही है, आप तो ऑनलाइन भी डील करिए ना, माशाल्लाह यू आर गोइंग गुड। और वही चीज़ अभी हम इंजॉय करेंगे पापड़ी चाट, और आप सोच रहे हो कि खाई जा रही है, खाई जा रही है क्योंकि मैं खा रही हूँ, मुझे खाना पसंद है। पता है मैं काफ़ी देर से इस तरह की पापड़ी चाट ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गई। एक और बच्ची गुम हो गई है, मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं मजाक नहीं कर रही, बड़ी सीरियस कह रही हूँ, बच्चों का ख्याल रखें। पहले मैं यार जल्दी कैसे मुझे देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हमें भी बड़े हो गए हैं तो बड़े होकर अब ये फिक्र रहती है गाला पे जाना है यार, अपने ब्रांड का स्टॉल है वहाँ पे मीटिंग की कॉल है, टीम को देखना है, उनको लंच प्रोवाइड करना है, अच्छा बाद में सारी चीज़ें देखी हो रही है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा फिर उसके बाद बाकी स्टॉल विजिट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपका फोकस सारा अपने ब्रांड पे होता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, होना चाहिए, बट ये देखिए टीम का एक फायदा है, टीम काम कर रही है थोड़ा बहुत लंच करने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इंजॉय कराऊँ और खुद भी जरा घूम के आऊँ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और लोग मुझे पता नहीं कुछ स्टॉक कर रहे हैं, मतलब एक कपड़ा खड़ा हुआ है मेरे बिल्कुल पीछे और उन्होंने इतनी मजे की स्माइल दी है। मैं बताना कि आपको जमकर लेसन या इंस्टाग्राम पर बता दें कौन सा फेवरेट है, मेरा भाई जी वो वाला फेवरेट है, उसी तरह का एक सीन और है वीप्ले में, तो आप लोग इस्लामाबाद वीप्ले जाए वहाँ पे आप मेरी एज तक जा सकते हैं, बस एक शर्त है वेट जो है वो अंडर 70 होना चाहिए और बहन का है। इनसे मैंने लास्ट काला में भी शॉपिंग की थी और अभी भी मैंने एक गिफ्ट बॉक्स परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये कलेक्शन है इनके पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। इसके आगे कुछ कपड़ों के स्टॉल्स थे उनको मैंने कैप्चर किया और एक आगे जो स्टॉल आएगा वो था लैंप्स का, आई लव देयर लैंप्स, बहुत अच्छी कलेक्शन थी और प्राइसेस भी अच्छी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली इनका कार्ड मैं अटैच नहीं कर पाई। और फिर जनाब यहाँ पे मीठा खाने का दिल हुआ तो ये मैंने कपकेक खाया जो कि बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा था, यहाँ पे मिनी प्लांट्स के स्टॉल। नाउ इट्स टी टाइम क्योंकि शाम का वक्त हो चाहे ना, ये हो नहीं सकता, मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, हवा चल रही है इसलिए, बट खुशी इस बात की कि एटलीस्ट बारिश नहीं हुई और चाय मैं इंजॉय कर रही हूँ यार, कड़क चाय कलर देख सकते हैं, चाय मुझे ऐसी पसंद है। सो नाउ
चाय बहुत जबरदस्त है, लेकिन चाय के साथ साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जब मुझे मिलती है वो यही देख रही होती है कि मैं घूम रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, खाने खा रही हूँ, तो बिजनेस कौन देख रहा है, लाइक ब्रांड कौन देख रहा है। तो टिप ये है बॉस, काम करें, एक दो साल ठीक टका के मेहनत करें, टीम बनाएं, ब्रांड बिल्ड करें, और उसके बाद जब आप ब्रांड बिल्ड कर लेंगे ब्रांड पैसे बनाना शुरू कर देगा। अब टीम अगर काम कर रही है तो ये बॉस वालों का टीम को काम पे लगाया है, खुद इंजॉय कर रही है, तो मैं बताऊं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास। सो अभी मेरी टीम काम कर रही है, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, मेरे पैसे खुद ब खुद बन रहे हैं, मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो कोशिश करें कि पैसे जाया ना करें, ये मतलब फोन अपग्रेड करना, मैं नहीं ये नहीं कह रही कि अच्छा फोन ना रखें, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा घूमे ना, सब कुछ करें, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेहनत करें। और मेरी खुशी इस बात की है कि मेरी टीम माशाल्लाह बहुत डेडिकेटेड है। मैंने जब उनसे कहा कि यार चाय का टाइम है तो चाय पी कर आते हैं, इसको छोड़ दो, देवर सिंह नो मैम हम यहाँ पे आप जाएं, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि सैलरी बेस्ड बंदा को उसको पता है मैं काम करूँ ना करूँ सैलरी तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है, रिवार्ड देना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम बचपन में कोई चीज अगर हमें चाहिए होती थी इनाम में, तो हम मतलब हमें कहा जाता था कि इतने मार्क्स स्कोर करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा या ये चीज मिलेगी। इसी तरह मेरी टीम को एक प्रॉपर एक उनको पता होता है कि हम टारगेट अगर अपना अचीव कर लेंगे, ज्यादा सेल्स होंगी, तो उस सेल का जो कुछ भी शेयर जो हमने अपनी टीम को दिया है वो उनको इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। तो लोगों को एंगेज रखें, टीम बनाना अगेन कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन टीम को उसी तरह से अपने साथ स्टिक रखना, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी मेहनत के साथ, वो बहुत मुश्किल है और वो जरूरी भी है। तो प्लीज जब भी आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लें, आपकी साथ अपनी टीम हो, तो उनको उसी तरह एंगेज रखें या उस तरह से ट्रीट करें जिस तरह आप किसी भी कंपनी में ट्रीट होना चाहते हैं। रेडीमेड मौजूद है और अभी हम पान ट्राई करेंगे। जी अभी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है सब कुछ, हमारा जो स्टॉल है वो भी अब पैकिंग कर रही है टीम, गाड़ी आ चुकी है, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। इट वाज अमेजिंग इवेंट बाय लेट्स ग्रो टुगेदर, और अमरीन से मेरी व्लॉग पे बातचीत नहीं हो सकी, बिहाइंड द सीन काफ़ी बातचीत हुई है, मैंने काफ़ी शॉपिंग भी की है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑलराइट जी, दैट्स इट, जो मैंने शॉपिंग की उसका इंस्टाग्राम पे मैं रिव्यू दे दूंगी, इसके अलावा जिन लोगों के स्टॉल्स कैप्चर नहीं हो पाए तो वो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, और जिनके कैप्चर हुए वो भी कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना रखें ख्याल।